नमस्कार, 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू में भीषण गर्मी पड़ रही है, सबकी निगाहें आसमान की तरफ लगी हुई है, कब बारिश हो और कुछ राहत मिले। लेकिन कल कश्मीर में बारामूला सीट पर वोटों की बारिश हुई। जी हाँ, बिल्कुल हम सही सुन रहे हैं, कल इतने वोट पड़े कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि उस वक्त 50% के करीब वोट पड़े थे, लेकिन हमने कहा था कि यह अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी जो है देर रात तक आएगी। और बाद में पता चला 60% वोटिंग वहां पे हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इन चुनावों में किसी नेता ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं किया एक पीसफुल वोटिंग के लिए, यह सबसे बड़ी बात है। और वहां लोगों ने खुलकर मतदान किया। हालांकि अपोजिशन पार्टी सभी कह रही है 370 के विरुद्ध में वोटिंग हुई है, लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है, लेकिन प्रशासन और लोग यही कह रहे हैं कि वहां हालात सुधरे हैं। और फैक्ट भी है, इस वक्त इतना टूरिस्ट कश्मीर में आया हुआ है कि तिल धरने की जगह नहीं, लोगों के घर कमरे जो हैं वो किराए पे लगे हुए हैं, बहुत खुश है, उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। ये हालात हैं इस वक्त कश्मीर के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पार्टियां जो बायकॉट का नारा देती थी, जमात इस्लामी जैसी, उनके जो गुलाम कादर लोन है, उनके पूर्व महामंत्री, उन्हें यहां तक कह दिया गया कि लोगों से अपील की है कि खुलकर वोटिंग करें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार हमसे बैन हटा लेती है तो हम भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो खूंखार आतंकवादी थे, जिन्हें पोस्टर बॉय कहा जाता है, उनके इलाके से, उनके घरों से बहुत ज्यादा वोट पड़े हैं, लोगों ने खुलकर वोटिंग की है। और अब 25 मई को रजौरी अनंतनाग सीट, जो आखिरी सीट है जम्मू कश्मीर की, उसमें चुनाव होने बाकी है। उसके लिए महबूबा मुफ्ती ने प्रचार शुरू कर दिया है, आज भी वो रजौरी में प्रचार कर रही थी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पार्टी के पक्ष में रजौरी अनंतनाग सीट पर प्रचार कर रही है। और आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, हम पीपी न्यूज लाइन की ओर से उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में मंगलवार को पुलिस और सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। ये बताया जा रहा है कि त्राल के जंगली इलाकों में 3 से 4 आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। जंगली इलाके में सुरक्षा बलों की टीम पूरी सतर्कता से आगे बढ़ रही है। वहीं संदिग्ध हरकत दिखने पर कुछ राउंड फायरिंग भी किए गए। फिलहाल आतंकियों का पता नहीं चल पाया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है। हर दल के नेता इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पीडीपी के अध्यक्ष व इस सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती सोमवार की सुबह राजौरी पहुंची। यहां पर उन्होंने पहुंचकर 6 बजे तक विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और उनकी मांगों व मुद्दों को सुना। इसके बाद महबूबा मुफ्ती राजौरी के मुख्य बाजार में पहुंची, जहां पर उन्होंने बाजारों में चल रहे लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ दुकानदारों से भी मुलाकात कर उनके लिए समर्थन मांगा। निजी होटल में महबूबा मुफ्ती ने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और उनकी मांगे व मुद्दों को सुना। प्रतिनिधि मंडलों में शामिल लोगों ने भी अपनी हर छोटी बड़ी समस्या महबूबा मुफ्ती के समक्ष उठाई और महबूबा मुफ्ती ने लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों के सहयोग से मैं दिल्ली पहुंच गई तो अपने वादे को ज़रूर पूरा करूंगी, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम आम लोगों के साथ हैं और सभी को साथ लेकर हमेशा से ही चलते आए हैं। पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा से सटी बारामूला संसदीय सीट पर सोमवार को वोटों की बारिश हुई। कोई मतदान केंद्र ऐसा नहीं था जिसके बाहर मतदाता पूरे उत्साह के साथ लंबी कतारों में वोट डालने का इंतजार करते नजर नहीं आए होंगे। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी, अफजल गुरु, मकबूल बट और सैयद सलाहुद्दीन जैसे अलगाववादी आतंकियों के क्षेत्र में बने मतदान केंद्रों में भी भीड़ रही। यही कारण रहा कि बारामूला में रिकॉर्ड करीब 59% मतदान हुआ। लगभग 40 वर्ष बाद यानी 1984 के बाद इस सीट पर ये अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा।
वर्ष 1984 में यहां 61.9% वोट पड़े थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने श्रीनगर सीट पर भी भारी उत्साह दिखाया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रभावी बनाने के साथ इसकी निगरानी करने के लिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाकर कृषि क्षेत्र में उनकी प्रभावी भूमिका बनाने की दिशा में काम करेगी। इस समय देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए उर्वरकों व कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में ये कमेटी जम्मू कश्मीर में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए चयन करने के साथ जिला स्तर पर ड्रोन के इस्तेमाल, उपलब्धता, भविष्य की जरूरतों आदि का आकलन भी करेगी। चिन्हित समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाने के साथ ही कमेटी प्रमुख उर्वरक व कीटनाशक कंपनियों के साथ समन्वय भी बनाएगी। कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी के सदस्यों में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, सहकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव, शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू व कश्मीर के उप कुलपति भी शामिल रहेंगे। जम्मू श्रीनगर और जम्मू किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की शाम 6 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। 6 बजे के बाद किसी भी वाहन को घाटी और किश्तवाड़ डोडा जाने की अनुमति नहीं दी गई। आज भी दोनों राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। जम्मू श्रीनगर पुलिस की तरफ से 2 दिन पहले ही इंटरनेट मीडिया पर एडवाइजरी जारी कर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को 21 मई यानी कि आज तक बंद रहने की जानकारी दी गई थी। रविवार देर रात फिर से इंटरनेट मीडिया के जरिए जानकारी दी गई कि सोमवार की शाम 6 बजे के बाद राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा और इस पर जम्मू श्रीनगर के साथ जम्मू किश्तवाड़ राजमार्ग भी बंद रहा। दोनों राजमार्ग आज भी बंद रहे। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सभी गाड़ियां बंद हैं। जो भी यात्री श्रीनगर जाने वाले हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके जाकर जम्मू चले जाएं या किसी सेफ जगह पर चले जाएं। जो परमिशन है वो भी कैंसिल है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ के नियंत्रण रेखा पर चक्कादा बाग की राह मिलन से पाकिस्तानी महिला को पुलिस ने सेना के सहयोग से वापस पीओजे के प्रशासन के हवाले कर दिया। रविवार रात को महिला को राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाके से पकड़ा गया था। वे बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। बता दें कि राजौरी जिले के नौशहरा सब डिवीज़न के लाम सेक्टर में रविवार देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में नियंत्रण रेखा के तारबंदी के आगे से यानी नो मैन एरिया से उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में ये पाया गया कि महिला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर निवासी है। उनकी पहचान पीओजे के कोटली जिला के सखीनाथ निवासी नसरीन फातिमा उम्र 44 वर्ष पत्नी मुनीर शाह के रूप में हुई। वह मूक बधिर हैं। जांच के बाद पुलिस ने सेना के सहयोग से उसे वापस पीओजे के बेच दिया। प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के पूर्व महासचिव गुलाम कादिर लोन ने युवाओं से ज़्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की भरपूर भागीदारी से 1987 के चुनाव धांधली का काला अध्याय दोहराया नहीं जाएगा। लोन ने यह भी कहा कि 1987 की धांधली को काफ़ी समय बीत चुका है, आशा है कि इसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। उन्होंने वोट के माध्यम से भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से उनके संगठन से प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। अगर जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटता है तो वह अगले चुनाव में शामिल होंगे। देखो बेटा, वोट तो हम बहुत पहले से डालते हैं। 1969 से पंचायत इलेक्शन 1969 में हुए तो बीच में जो मुस्लिम मुत्तहिद महाज के प्लेटफार्म से हमने इलेक्शन लड़ा तो उसमें रिगिंग हो गई, धांधलियाँ हो गई, फिर हमें जमहूरियत पर से एतमाद उठ गया। तब से लेकर हम सोचते थे, अब ये उम्मीद है कि शायद तब से अब तक बहुत अरसा गुजर गया, बहुत कुछ हुआ, शायद आइंदा इंतखाबात में धांधलियाँ नहीं होंगी। जिसके हक में वोट लोग डालेंगे रिजल्ट उसी के हक में आएगा। इसलिए हम इस उम्मीद पे अब फिर इस मैदान में आ गए हैं कि आइंदा धांधलियाँ नहीं। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। देश भर की तरह जम्मू में भी उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस ऑफिस में स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके कार्यों को याद किया गया। वो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर भी था, कर पे तो एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा यहाँ पे ला रखा।
और 73 अमेंडमेंट 74 अमेंडमेंट के लिए जो जोर देते थे कि पंचायती राज सिस्टम हिंदुस्तान में हो, उसको मजबूती मिले, आज हिंदुस्तान बुलंदियों को छू रहा है। तो उनके माध्यम से ये श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी को भी जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर युग का सपना यहाँ पे सोचा था, आज उनका सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, आज हिंदुस्तान आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम दिल की क्रांति से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सेक्युलर फोर्सेज को मजबूत करें, वही एक चाबी होगी। जम्मू में मंगलवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई, हालांकि आज बीते कल के मुकाबले 5 डिग्री तापमान में गिरावट आई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जम्मू में मंगलवार को 37.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले सोमवार को पारा 42.2 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 28 मई तक जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। जम्मू में सोमवार को दिन का पारा सामान्य से 3.9 चढ़कर 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और तापमान ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा। जम्मू में 23 मई 2023 को अधिकतम पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। हालांकि इससे पहले 28 मई 2020 को अधिकतम तापमान 42.6, 31 मई 2019 को 44.1, 20 मई 2016 को 43.2 और 15 मई 2022 को 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जम्मू में पिछले 5 दिन से लगातार अधिकतम पारा 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। इससे गर्म हवाएं चलने के साथ जनजीवन प्रभावित है। मैदानी इलाकों में दिन के साथ रातें भी तपने लगी हैं। पहाड़ों पर भी पारे में उछाल आया है। जम्मू में सोमवार सुबह से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दोपहर तक गर्म हवाएं चलने के साथ कई सड़कें सूनी रहीं। भीषण गर्मी से खासतौर पर राहगीरों और दो पहिया वाहन चालकों को अधिक परेशानी हुई। स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार से स्कूलों की समय सारिणी में कटौती कर दी है, लेकिन दोपहर को छुट्टी होने पर विद्यार्थी भीषण गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट पर बम्पर वोटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें हुकूमत को कोई श्रेय नहीं जाता, लोगों ने हिम्मत करके अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं अगर वो इसे आर्टिकल 370 से जोड़ रहे हैं तो 1990 से पहले जो चुनाव हुए उसमें इससे ज़्यादा टर्नओवर रहा, फिर वो क्या था? पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने हिम्मत की और अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया, हुकूमत को इसमें कोई श्रेय नहीं जाता। अगर भाजपा इसे 370 के साथ जोड़ना चाहती है तो फिर उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि 1990 में जो चुनाव रहे उसमें टर्न आउट इससे ज़्यादा रहा, तो फिर वो क्या था? केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सारे फैसले शाही फरमान की तरह जारी किए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि मतदान ही एकमात्र तरीका है अपनी आवाज बुलंद करने का और लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।